दिल्ली में रोड रेज के एक खौफनाक मामले में राष्ट्रीय राजधानी के नांगलोई इलाके में कल देर रात एक कार ने 30 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल को सड़क पर घसीट लिया, जिसके बाद उसकी सिर में चोट लगने से मौत हो गई। कांस्टेबल संदीप सिविल कपड़ों में था और गश्त पर था। वह अपनी बाइक पर था, तभी एक वैगनार कार ने उसे ओवरटेक करने की कोशिश की। चार पहिया वाहन को लापरवाही से चलाया जा रहा था और कांस्टेबल ने ड्राइवर से धीमी गति से चलने को कहा। अचानक कार की गति बढ़ गई और उसने पीछे से संदीप की बाइक को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल और कांस्टेबल को करीब 10 मीटर तक घसीटा गया। संदीप को पास के अस्पताल ले जाया गया और फिर दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई है। निकला था एंड वीना एनक्लेव के सामने जब लेफ्ट टर्न कर रहे थे, तो लेफ्ट टर्न के दौरान एक दूसरा व्हीकल वहां पे फोर व्हीलर था, वैगनर, एंड उसको क्रॉस करने के लिए उसको जब क्रॉस करके निकला तो शायद उनके बीच में रोकने के लिए कुछ बात हुई होगी, लेकिन जब वो आगे निकल गया तो व्हीकल ने सडनली एक्सलरेट किया है और पीछे से टक्कर मारा और अराउंड जो एज पर जो मौका दिखा है 10 मीटर के करीब जो है ड्रैग किया और दूसरे व्हीकल में हिट किया, जिससे कि क्रश हो गया और क्रश होने की वजह से हेड इंजरी बहुत सीरियस हो गया और इसी आई थिंक हेड इंजरी की वजह से डेथ हुआ और दो पीएम जो करेंगे उससे हमें फर्दर पे रिफर हो जाए। सर क्या वजह थी जिस वजह से उनके बीच में ये ना बताई कि उसने प्राइमर फैसा ही लग रहा है कि रोड रेज टाइप का हुआ है, बट वंस एक्यूज को हम अप्रीहेंड करेंगे उसके बाद ही मैं आपको फर्दर FIR 102 BNS में होगा। सर क्या सिविल में था, यूनिफॉर्म में था? सिविल में था, बीट नंबर 3 है, बिना इनक्लेव मोस्टली रेसिडेंशियल है, तो जो थेफ्ट वगैरह के इंसिडेंट्स हैं उसको स्पेशली चेक करने के लिए सिविल में ड्यूटी में। गाड़ी पुलिस की थी या गाड़ी भी सिविल थी? सिविल अपना ओन व्हीकल। सर कोई और था संदीप के साथ में उस समय, कोई और पुलिसकर्मी या वो अकेला था? नहीं, बाद में पीछे से आए हैं, लेकिन उस वक्त जो पेट्रोलिंग में निकला है वो अकेले ही बाइक। सर बातें चल रही हैं कि उसमें कोई दबाव बनाया जाता है किसी काम को करवाने के लिए, ऐसा कुछ अब तक सामने आया हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्लियर कट रोडरेज का मामला भी था? यस। जो दो आरोपी हैं, शायद किसी की पहचान हो पाई हो, कौन है, क्या है? दोनों आरोपी को हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं, एक बार कन्फर्म हो जाएगा तो मैं आपको। सर गाड़ी आपके पास है या नहीं? हाँ, व्हीकल ऑलरेडी हमने सीज कर लिया है, व्हीकल हमारे पास है, बाकी जो एरिया है उसको भी हमने सीन ऑफ क्राइम एनालिसिस कर लिया है, हमारे फॉरेंसिक टीम से भी एनालिसिस कर लिया है, मेडिकल के प्रोसीजर्स और अभी शुरू होंगे एंड पुलिस जो है इसमें जो एक्यूजर्स को ढूंढने में सरगर्मी से लग सकते। आरोपी का नाम पता, मतलब गाड़ी की मालिक कौन है, क्या प्रोफाइल है, क्या काम करते हैं? उसका मैं चाहूँगा कि हम वेरीफाई करके आपको बताएं। आरोपी गाड़ी का मालिक ही है कोई और था? वो हम वेरीफाई करके बताएंगे कि गाड़ी को कौन ड्राइव कर रहे थे।